हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत जन का रिक्वेस्ट था कि कॉक ब्रांड का स्टैश का वीडियो लाओ। तो दोस्तों, आपके लिए आज मैं कॉक ब्रांड का स्टैश का वीडियो लाया हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारे पास है हाइड्रो ग्रीन, ये कॉक ब्रांड का है। ये मैंने 6 डब्बा ख़रीदा है और 50 रुपये डब्बे के हिसाब से, तो ये 6 डब्बा हो गया दोस्तों। और इसके बाद दोस्तों, हमारे पास है बुलेट बॉम कॉक ब्रांड का, काफ़ी बढ़िया रहता है। ये बड़ा वाला बुलेट बॉम है जैसा आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों, ये मुझे 28 रुपये डब्बे के हिसाब से पड़ा था और इसे मैं 10 डब्बा खरीद के लाया हूँ। तो दोस्तों, ये रहा बुलेट बॉम। फिर दोस्तों, हमारे पास है नेक्स्ट गोल्डन पेनी। ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया अनार होता है, कॉक ब्रांड का है और 145 रुपये डब्बे के आसपास का मुझे ये पड़ा था। काफ़ी भारी है, वजनदार है जैसा आप लोग देख सकते हैं। तो ये मैंने 2 डब्बा खरीदा और अंदर अगर मैं खोल के दिखाऊं आपको तो कुछ इस तरह का सुंदर सा अनार है, फाउंटेन है। तो ये मुझे पड़ा था 145 रुपये डब्बे के हिसाब से। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट आइटम जो है हमारे पास वो है कॉक ब्रांड का ये हंटर या जिल जिल, या दोस्तों इसे हम लोग रस्सी बम कहते हैं। ये मुझे 27 रुपये पैकेट के हिसाब से पड़ा। ये मैं 2 पैकेट लाया हूँ। और दोस्तों, ये अनार जलाने में, जिसमें पतीला नहीं होता वो अनार जलाने में बहुत अच्छा काम आता है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट जो है मेरे पास वो है दोस्तों ये भाई लोग ग्राउंड चक्कर। ये 70 सेंटीमीटर वाला सबसे बड़ा चक्री है जो कॉक ब्रांड का आता है दोस्तों। और ये मुझे 150 रुपये का पड़ा था और इसमें MRP 425 रुपये लिखे हुए हैं। ये भी काफ़ी बढ़िया रहता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास ये नत्तीय धारा, ये चक्री है काफ़ी बढ़िया वाला। और दोस्तों, इसका प्राइस 150 रुपये मुझे पड़ा था और MRP 330 रुपया है। और दोस्तों, साइज़ देखिए, कुछ इस तरह का 5 पीस का चक्री आता है इसमें, जो कि काफ़ी बढ़िया होता है। और इसे मैं टेस्ट करूँगा दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिएगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट आइटम की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास, जिसका नाम है माइटी एटम फाउंटेन। ये गंगा जमुना की तरह होता है अनार बॉम, इसे हम लोग कहते हैं। इसका प्राइस का बात करेंगे भाई लोग तो 115 रुपये में मुझे मिला और इसका 340 रुपये MRP है। और गंगा जमुना की तरह होता है, काफ़ी अच्छा होता है। फिर दोस्तों, नेक्स्ट आइटम की तरफ अगर हम लोग बढ़ेंगे तो ये है कॉक ब्रांड का ओलंपिक टॉर्च। काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बड़ा साइज़ का होता है और इसका रन टाइम भी काफ़ी बढ़िया होता है, लगभग 1 मिनट या 45 सेकंड के आसपास का। और दोस्तों, ये हमें 108 रुपये का पड़ा था जैसा आप लोग देख सकते हैं। और इसका MRP लिखा हुआ है 300 रुपये। तो ये भी काफ़ी बढ़िया रहता है, इसे भी आप खरीद सकते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों, हमारे पास फ्लोरा फाउंटेन है। ये दोस्तों चक्री वाला अनार है, काफ़ी बढ़िया रहता है। ये थोड़ा महंगा पड़ा था मुझे, 255 रुपये का, 225 रुपये का और 340 रुपये इसका MRP है। तो ये भी आप लोग खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास में कॉक ब्रांड का ट्राई कलर फ्लावर पॉट। ये बहुत बढ़िया रहता है और रन टाइम भी काफ़ी अच्छा होता है, सुंदर होता है। ये हमें पड़ा 200 रुपये का, इसमें 575 रुपये MRP लिखा हुआ है। और अंदर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ कुछ दोस्तों, अंदर में इस तरह का अनार होता है, काफ़ी बढ़िया रहता है। 5 पीस का आता है, एक मैं जला चुका हूँ। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है 7 साउंड दोस्तों। ये 450 रुपये में 15 पीस का आता है। तो ये 2 पीस हमें पड़ा था लगभग 70 रुपये का, एक 70 रुपये का था एक पैकेट। तो ये भी काफ़ी बढ़िया रहता है, अच्छा चलता है, सेमियल रॉकेट। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है ये 15 स्टार कॉक ब्रांड का है, 15 साउंड, काफ़ी बढ़िया रहता है, बहुत मज़ा आता है इसे जलाने में। 153 रुपये में ये हमें मिला और इसका MRP जो है 475 रुपये है। तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। और दोस्तों, इन सभी की टेस्टिंग की वीडियो हमारे चैनल पर आएंगी, तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास 12 स्टार कॉक ब्रांड का है, ये भी काफ़ी बढ़िया है और ये हमें 135 रुपये का पड़ा था। अब दोस्तों, रॉकेट्स के तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है स्काई विसल मिनी।
छोटा वाला विस्लिंग रॉकेट है, कॉक ब्रांड का, काफ़ी बढ़िया है और 65 रुपये डब्बे के हिसाब से हमें मिला था और 230 रुपये इसमें MRP है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो है वो है लूनिक एक्सप्रेस रॉकेट, ये काफ़ी बढ़िया मेरा फेवरेट रॉकेट है, वन ऑफ द, और ये 137 रुपये डब्बे के हिसाब से हमें पड़ा था, हमने 4 डब्बा खरीदा और 390 रुपये इसमें MRP लिखा हुआ है। अब दोस्तों नेक्स्ट बड़ा रॉकेट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये है हमारे पास विस्लिंग रॉकेट बड़ा वाला, काफ़ी बड़ा है साइज़ में, हाइट इसका गोल्डन विलो रॉकेट से भी बड़ा होता है और काफ़ी बढ़िया तरीक़े से ऊपर जाता है। ये 430 रुपये इसमें MRP लिखी हुई है और ये हमें पड़ा था 150 रुपये के आसपास का, काफ़ी बढ़िया है, इसका हमने 2 डब्बा खरीदा है। नेक्स्ट दोस्तों और बड़े रॉकेट के पास जाएंगे तो अब हमारे पास गोल्डन विलो रॉकेट, काफ़ी तगड़ा रॉकेट है, काफ़ी ऊंचा जाता है और काफ़ी बढ़िया चलता है, 955 रुपये इसमें MRP है और 331 रुपये में हमें मिला, जो कि काफ़ी बढ़िया है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास है सुपरस्टार रॉकेट, ये भी काफ़ी बढ़िया रहता है, सेम साइज़ है गोल्डन विलो रॉकेट का, बस इसमें वाइट कलर का निकलता है स्टार्स। इसका प्राइस का बात करें तो MRP है 985 और हमें 321 रुपये का मिला सिर्फ। अब दोस्तों स्काई शॉट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, तो दोस्तों सबसे पहले स्काई शॉट है हमारे पास ये मेरी गो राउंड, काफ़ी बढ़िया स्काई शॉट होता है, कॉक ब्रांड का चक्री निकलता है इसमें से, और इसका प्राइस का बात करें तो ये हमें 180 का पड़ा और 525 रुपये इसमें MRP है, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। फिर नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है ये गोल्डन स्ट्रॉबेरी, काफ़ी बढ़िया है, रेड कलर में ऊपर जाता है और गोल्डन फटता है, ये हमें पड़ा था 225 रुपये डब्बे के हिसाब से और इसमें MRP लिखा हुआ है 675 रुपये। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है गोल्डन एमराल्ड, ये भी सेम साइज़ का है गोल्डन स्ट्रॉबेरी जैसा, बस इसमें ग्रीन कलर से ऊपर जाता है और फिर गोल्डन में फटता है, इसका MRP 660 रुपये लिखे हुए है जैसा आप लोग देख सकते हैं, और ये 660 रुपये इसमें MRP है और ये हमें 225 रुपये का पड़ा। नेक्स्ट दोस्तों है हमारे पास थोड़े बड़े साइज के स्काई शॉट, जिसमें हमारे पास है जैस्मिन कोर, कॉक ब्रांड का 3 पीस का डब्बा में आता है, ये हमें 333 रुपये का पड़ा था। उसी तरह से दोस्तों सेम अगर हम लोग देखें साइज में तो हमारे पास है ब्लॉसम, इसमें क्या 3 अलग अलग तरह का होता है, 1, 2, 3 लिखा हुआ है, ये भी 333 रुपये का पड़ा था। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास है गोल्डन क्लासिक, ये भी काफ़ी ज़बरदस्त है, सेम साइज़ है, ये भी 3 पीस का डब्बा है, गोल्डन कलर का निकलता है और ये भी 333 रुपये का हमें पड़ा और MRP 840 है तीनों में। फिर दोस्तों नेक्स्ट अब बड़े स्काई शॉट की तरफ बढ़ते हैं कॉक ब्रांड का, तो बड़े में दोस्तों हमारे पास है पहले एरियल गोल्ड फ्लैश, काफ़ी अच्छा साइज़ होता है इसका और यह हमें 198 रुपीज़ का पड़ा था और इसमें 755 रुपये MRP है। अब दोस्तों कॉक ब्रांड का लास्ट आइटम जो हमारा स्काई शॉट है उसके तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो दोस्तों ये ZVR का लाइटर है, काफ़ी बढ़िया है, जैसा आप लोग देख सकते हैं जेट फ्लेम है, और दोस्तों ये मुझे 600 रुपये के आसपास का पड़ा था, अगर आप लोग को भी खरीदना है दिवाली के लिए तो खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब लास्ट आइटम की तरफ बढ़ते हैं, तो दोस्तों लास्ट हमारे पास है कॉक ब्रांड का पाम गार्डन, काफ़ी ज़बरदस्त स्काई शॉट है, इसमें से क्या है कि 15 छोटे छोटे शॉट्स निकलते हैं और ऊपर जाके फटते हैं गोल्डन कलर में, काफ़ी बढ़िया रहता है, ये हमें 198 रुपये का पड़ा था और इसमें MRP दिया हुआ है 590 रुपये। तो दोस्तों यही था हमारा कॉक ब्रांड का दिवाली का स्टैश, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे वीडियो था जो कि करीब करीब 5500 रुपये का होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।